घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में चहेते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री की शह से भ्रष्टाचार का बोलबाला पनप रहा है। ये बात पूर्व सीपीएस व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी ने बिलासपुर के घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जो काम करवाए जा रहे हैं उनका उद्घाटन पहले कर दिया जा रहा है और उसके बाद टेंडर किए जा रहे हैं। उन टेंडर में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की जा रही है। सरकार को बनाने के लिए टेंडर में जो आइटम कटिंग की लगनी चाहिए थी उसे बदलकर खुदाई की आइटम किया गया। इन दोनों के रेट्स में काफ़ी अंतर होता है। उन्होंने कहा कि कटिंग के रेट जहां 120 रुपये हैं वहां खुदाई के 260 रुपये हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री के चहेते ठेकेदार जो भाजपा का पदाधिकारी है और बोर्ड का सदस्य है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कटिंग के स्थान पर खुदाई के रेट दिए जा रहे हैं जिससे खुद भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये सब मंत्री की शय से ही हो रहा है जिससे सरकारी खजाने में काफ़ी चपत लग रही है। उन्होंने इस तरह के मामलों में राज्यपाल से न्यायिक जांच की मांगी है। ऐसी ही सड़क बौनी से ढलियानी की है जिसका मंत्री द्वारा पहले उद्घाटन कर दिया जाता है और उसके 2.5 महीने बाद टेंडर किए जाते हैं। ऐसा ही हाल जाहड़ी बबेली कसारू सड़क का है। इन सड़कों में आइटम को ही बदल दिया गया है जहां पर कटिंग के स्थान पर खुदाई किया गया है और रेट भी ज़्यादा लिए गए हैं। साथ में मात्रा को भी बढ़ाया गया है जबकि विभाग की खुद की सरकारी मशीनरी होते हुए भी खड़ी रही है और ठेकेदार की मशीनरी का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात का पता आरटीआई से ली गई सूचना से लगा है जिसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। एप्पल न्यूज़ के लिए घुमारवी से रंजू जम्वाल की रिपोर्ट। तरीके से लूटने का जो है एक बहुत बड़ा कॉकस जो है वो बनकर उभरा है जिसमें मंत्री जी के खास आदमी अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उस दबाव में जहां पे टेंडर पूल करके या जो छोटे टेंडर बड़े टेंडर को तोड़ करके जो है छोटे टेंडर लगा रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन टेंडर में ना जाए या प्रेस टेंडर ना हो, वहीं पे साथ में एक बहुत बड़ा जो है एक तरीका लूटने का और सामने आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं सरकार में जिनको बोर्ड निगमों का जो है वो सदस्य नियुक्त किया है वो दबाव बनाकर जो है वो मंत्री जी का पूरा उनके आशीर्वाद है और जिसकी वजह से अधिकारी उनसे डर रहे हैं। और जो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसमें उन आइटमों को लिया जा रहा है जो मिलती जुलती हैं लेकिन वहाँ पे फिट नहीं बैठती हैं ताकि रेट जो है वो 3 गुना 4 गुना लिए जा सके। और दूसरा ये जो आइटम जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ आज की डेट में, वैसे तो बहुत सारे टेंडर्स में ऐसा हुआ है लेकिन ये स्पेसिफिक हम जो लिंक रोड बना रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं और उनमें आइटम जो है वो कटिंग की बजाय वो खुदाई के आइटम ले रहे हैं जबकि पीडब्ल्यू का जो शेड्यूल रेट है उसमें अलग अलग जो है वो प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यू की अलग अलग स्पेसिफिकेशन हर काम को लेके होती हैं तो कटिंग का अलग कार्य है और खुदाई का अलग तरह का कार्य है। हालांकि दोनों मिट्टी से अलग है, एक जमीन के स्तर से ऊपर का है और एक जमीन के नीचे का है, तो जो रोड है उसमें कटिंग की आइटम जो है वो यूज़ होती है क्योंकि जमीन स्तर से सतह से ऊपर का है। इन्होंने उसको खुदाई में जो है वो बदल दिया और टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया खुदाई की आइटम को लेके ताकि उसमें और ज़्यादा उनको रेट मिल सके और उसको फिर पूल करके जो है वो 5-7 जो इनके बड़े खास ठेकेदार हैं जो नेता भी हैं उनको जो है वो देते हैं। वो हमारी इस पर आपत्ति है क्योंकि इसे करोड़ों रुपए का चूना जो है वो सरकार को लग रहा है और दूसरा जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा दी जा रही है। उसकी अगर साइट पे मेजरमेंट करेंगे तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करेगी और उसकी मेजरमेंट करेगी तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे जो क्वांटिटी जो है वो लगभग 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा मिलेगी। और तीसरा हमारा इसमें पॉइंट है कि जब पीडब्ल्यूडी के पास अपनी मशीनरी थी, अपना डोजर है, अपनी जेसीबी है, उनका इस्तेमाल विभाग ना करते हुए जो है उस बड़े ठेकेदार को जो है वो तरजीह देकर उसको अनुचित लाभ पहुँचाते हैं। और चौथा इसमें हम मांग करते हैं कि
क्योंकि सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि इसमें सीधे तौर पर मंत्री शामिल हैं। और भी हम आने वाले टाइम पे ऐसे खुलासे करेंगे, तो हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि आप इसकी न्यायिक जांच कराएं और इस लूट में जो पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है उसको बचाएं।